नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है हमारा कि आप लोग हिंदी ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ामों में, हमने उस दिन बताया था, बहुत सारे एग्ज़ामों में हिंदी पार्ट आता है, पूछा जाता है और अच्छा खासा योगदान होता है सफल होने के लिए। अगर किसी परीक्षा में हिंदी का योगदान है तो हिंदी बहुत ज़रूरी है। साथियों, आप लोगों से ये गुजारिश है हमारी और ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग हिंदी ज़रूर पढ़ा करें। इसीलिए मैंने हिंदी शुरू किया है कि जो भी बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हिंदी की जानकारी ज़रूर हो, हिंदी अच्छे से पढ़ लें और हमारे साथ हिंदी पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, नोट्स बनाएं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स बनाते रहें और मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आए। और साथियों, जो नए लोग हैं, जो हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, उनसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, हिंदी का आज ये हमारा जो है तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हमने हिंदी से संबंधित हिंदी वर्णमाला शुरू किया था। वर्णमाला में हम आपको स्वर बता रहे थे, स्वर और स्वर के टाइप बता रहे थे, कितने प्रकार के स्वर हैं, ठीक है। तो लास्ट में हमने बताया था आपको कि उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। एक तो ह्रस्व स्वर है और एक है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दो भागों में बताया था हमने, और हमने ये भी बताया था आपको कि छोटा आ छोटी ई, छोटा आ और छोटी ई, छोटा उ और ऋ, ये ह्रस्व स्वर हैं, हमने आपको बताया था। आप नोट्स बनाते रहें और हर एक चीज़ बड़े ध्यान से सुने और समझें, नोट्स भी बनाएं, सबसे ज़रूरी नोट्स है। कॉपी उठा के आप पलटें तो तुरंत सामने सब याद आ जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो ह्रस्व स्वर हमने बताया था और दीर्घ स्वर बताया था। हमने ह्रस्व स्वर में बताया था छोटा आ छोटी ई, छोटा उ और ऋण, और वहीं पर हमने बताया था दीर्घ स्वर में कि बड़ा आ बड़ा उ आए, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है। इसके पहले हमने एग्जाम्पल भी दिया था तमाम टाइप के, जो है पहला टाइप और दूसरा टाइप हमने बताया था आपको। आज हम आपको बताएंगे जीभ या जिह्वा के आधार पर कैसे हम स्वर को देखेंगे और कौन कौन से हैं ये सीखेंगे। प्रश्न में पूछा जाता है, चार आपको दे दिया जाएगा, चार विकल्प, छोटा आ बड़ी ई, छोटा उ और ऋण, और आपसे पूछा जाएगा कि जिह्वा के आधार पर कौन सा जो है स्वर बोला जाता है, कौन सा स्वर जिह्वा के आधार पर बोला जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा साथियों, और बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। जिह्वा के आधार पर जो है विभाजन किया गया है, जैसे हम बता दें पश्च भाग मध्य भाग और अग्र भाग। तो देखिए, समझते भी चलिए, पश्च भाग, मध्य भाग, अभी जब हम एग्जांपल देंगे साथियों तो बहुत आराम से आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, और अग्रभाग। जिन लोगों ने कभी हिंदी नहीं पढ़ा है या उनके एग्जाम में आने वाला है हिंदी, तो एक बार जरूर हमारे क्लास को देखें। पश्च भाग, मध्य भाग और अग्रभाग जिह्वा के आधार पर हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, पश्च भाग मतलब जिह्वा के बिल्कुल अंतिम वाला छोर, मध्य भाग मतलब जिह्वा का बीच वाला छोर, और अग्रभाग मतलब ये जिह्वा का आगे वाला छोर। तो देखिए, अगर पूछ लिया जाएगा प्रश्न कि जिह्वा के आधार पर पश्च भाग, जिह्वा के आधार पर पश्च भाग से इनमें से कौन सा स्वर है, तो आप कैसे बताओगे, तो आप देख लो। सबसे पहले हम आपको समझने के लिए कि आपको आसान हो, इसलिए हम अग्रभाग से शुरू करेंगे। देखिए, छोटी ई बड़ी ई, ए और
आय, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय। ये चार जो वर्ण आपके सामने लिखे हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय, ये जिह्वा के अग्रभाग से, जब आप छोटी ई कहेंगे, छोटी ई, छोटी ई, ये जिह्वा थोड़ा ऊपर जाएगा, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, मतलब जिह्वा का अग्रभाग ऊपर जा रहा है। तो यही माना जाता है कि जिह्वा के अग्रभाग से ये चार स्वर, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए, जिह्वा के अग्रभाग से ये बोले जाते हैं। अब वहीं पर मध्य भाग में देखिए, मध्य भाग में एक ही स्वर आता है आ, जब आप बड़ा आ कहते हैं आ, तो ये मध्य भाग से बोला जाता है बड़ा आ, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न में पूछ लिया जाता है, प्रश्न में पूछ लिया जाता है मध्य भाग से आ और अग्रभाग से छोटी ई, बड़ी ई। और पश्च भाग वाला देखिए, अब पश्च भाग, पश्च देखिए, जैसे मध्य भाग हमने बताया आ, ऐसे ही पश्च भाग से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जैसे पश्च भाग लिखा ना, तो जिह्वा के एकदम पिछले भाग से, पिछले छोर से ऊ, यही से निकलता है वो ऊ, ऊ, ओ, औ, ठीक है, समझ गए आप, ओ, औ। आप खुद ट्रायल करके देख लो, ऊ, ऊ, ओ, औ, मतलब जिह्वा के पश्च भाग से ये चार, ठीक है, जिह्वा के मध्य भाग से आ, मध्य भाग से बड़ा आ देखिए है, अग्रभाग से छोटी ई, ये अगला जो जिह्वा का अगला भाग है वो ऊपर जाता है, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, और ए, ए, जिह्वा का अगला भाग ऊपर जाता है, तो इसलिए ये अग्रभाग से बोला जाता है और ये मध्य भाग से बोला जाता है और ये पश्च भाग से बोला जाता है। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग, इसीलिए हम कहते हैं नोट्स बनाया करें, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, ये तीसरा भाग है, दो भाग हम पहले बता चुके हैं, दो टाइप, ये तीसरा टाइप है। चौथा टाइप देखिए, चौथा टाइप है कि उच्चारण में मुख कितना खुलता है, ये देखा जाता है। उच्चारण में मुख द्वार खुलने के आधार पर समझते भी चलिए और लिखते भी चलिए। उच्चारण में मुख द्वार खुलने के आधार पर, मतलब कितना खुलता है उस हिसाब से अगर हम देखें इसको, तो इसको जो है तीन भागों में बांटते हैं, ठीक। पहला है विवृत स्वर। अब ये विवृत स्वर क्या है, ये भी समझिए। दूसरा क्या है, पहला तो विवृत स्वर हो गया, दूसरा हो गया अर्ध विवृत स्वर। पहला विवृत स्वर, दूसरा अर्ध विवृत स्वर और तीसरा संवृत स्वर। चूंकि हिंदी आम हम लोगों की बोलचाल की भाषा है, इसलिए ये समझ में जल्दी आता है, लेकिन दिमाग से निकल भी जल्दी जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं भाइयों दोस्तों आप नोट्स बनाते रहें। तो अब इन तीनों के आधार पर, जैसे उच्चारण में मुख द्वार कितना खुलता है, खुलने के आधार पर स्वर को बांटा गया है। तो अब इन आधार पर देखिए जो है, जैसे लिखा है विवृत स्वर, तो विवृत स्वर जो लिखा है या अर्ध विवृत स्वर लिखा है, इसके कैसे माने हम कैसे जान पाएंगे कि विवृत स्वर क्या है, अर्ध विवृत स्वर क्या है, तो उसको हम बताते हैं आपको। एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे आपने कहा बड़ा आ, जैसे बड़ा आ आपने जब कहा तो आपका पूरा मुंह खुलता है, बड़ा आ, तो
तो विवृत मतलब जब पूरा मुंह खुले तो वो क्या हो जाता है, विवृत स्वर हो जाता है, यानी कि बड़ा आ। जब आप कहेंगे, आप कह के देखिए आप, जब आप कहेंगे तो पूरा मुंह खुलेगा आपका। और अर्ध विवृत स्वर माने कि आधा मुंह खुला है, पूरा मुंह नहीं खुला, अर्ध मुख का अर्ध द्वार खुला हुआ है, आधा भाग खुला हुआ है। तो आधा भाग जब खुलेगा तो कौन सा स्वर निकलेगा, देखिए आधा भाग जब खुलेगा तो बड़ा आ तो निकलेगा नहीं, क्योंकि बड़ा आ जब निकलेगा तो आपका पूरा मुख द्वार खुलेगा। अब जब अर्ध विवृत स्वर आप करेंगे तो ये जो है छोटा आ निकलेगा, छोटा आ। आप कह देते हैं आधा मुंह खुलता है, छोटा आ ए, ठीक, छोटा आ ए, छोटा आ ए, आ भी है, छोटा आ आए भी आप कहते हैं तो पूरा मुख नहीं खुलता है, छोटा आ आए, आधा मुख द्वार ही खुलता है। लेकिन जब आप बड़ा आ कहते हैं, बड़ा आ, तो पूरा मुख खुलता है आपका, इसलिए बड़ा आ हो गया विवृत स्वर। और अर्ध विवृत में आ गया छोटा आ आए और औ भी आ जाता, औ औ औ, आधा मुख से हम बोल देते हैं औ, ठीक है, औ हो गया ओ औ, ठीक है। तो अर्ध विवृत छोटा आ आए और पूछ लिया जाता है भाई, इसलिए आपको जानना चाहिए जिह्वा के आधार पर, तो हमने बता दिया आपको। अब मुख द्वार खुलने के आधार पर, यानी कि विवृत पूरा मुख खुला कि अर्धविवृत आधा मुख खुला कि समविवृत, समविवृत बता रहे हैं अभी, आप समविवृत देखिए, समविवृत देखिए, संवृत देखिए। जब आप विवृत समझ गए, अर्धविवृत समझ गए, अर्धविवृत समझ गए, तो अब जो है संवृत, संवृत मतलब यह होता है कि आपका मुख नहीं भी खुला तब भी आवाज निकल गई, तब भी स्वर निकल गया, नहीं भी खुला तब भी स्वर निकल गया। तो इसमें एग्जांपल देखिए, नहीं भी खुला, सॉरी यहां पर साथियों ये ओ नहीं रहेगा, ये आप लोग हटा दीजिए, ये ओ नहीं रहेगा, ये आप लोग हटा दीजिए, वो हम भूल गए थे समझाते समय। अब देखिए समविवृत में, समविवृत में हमने कहा कि मुख अगर नहीं भी खुला तब भी आपका स्वर निकल जाता है, जैसे कि ए नहीं भी खुला मतलब आधा भी नहीं खोले हम, आधा से भी कम खोले ए ए, ठीक है, तो ए। और अगर हमने ओ कहा, ओ मतलब मुंह नहीं खोला, आधा भी नहीं खोला, ओ ओ ओ, तो इसको कहते हैं समविवृत, मतलब आधा मुंह भी नहीं खुला, आधे से भी कम खुला तब भी ये आपका उच्चारण हो गया ओ, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब आप समझ गए होंगे कि उच्चारण में मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर का उच्चारण कैसे होता है और कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो विवृत में देखिए, विवृत स्वर में हमने कहा कि पूरा मुंह खुलना ही आवश्यक है। तो पूरा मुंह कब खुलेगा, जब आप बड़ा आ कहेंगे तभी खुलेगा, तो वो हो गया विवृत स्वर। अर्ध विवृत क्या है कि आधा मुंह खोलकर ही आपने उच्चारण अच्छे से कर लिया, जैसे कि आ आ आए, आधा मुंह खोलना पड़ा है आपको, पूरा मुंह खुलने की जरूरत नहीं है इसमें, इसीलिए इसका नाम है अर्ध विवृत स्वर, जैसे छोटा आ आए और आओ। अब समविवृत पे आते हैं, समविवृत देखिए कि आधा मुंह भी खोलने की जरूरत नहीं है, ए जरा सा पौवा सा खोलेंगे 20 पैसा ए ओ, तब भी उच्चारण आपका अच्छे से हो जाएगा। तो समविवृत उसको कहते हैं कि आपका मुख आधा भी नहीं खुला, उससे भी कम खुला, तो ए ओ, तो इसको कहते हैं समविवृत। अब आप मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे कि जीवा के आधार पर जो प्रयोग में आया था, तीन भाग थे, पहला पश्च भाग, मध्य भाग और अग्र भाग, तो वो आप समझ गए। उसके बाद उच्चारण के मुख, उच्चारण में मुख द्वार खुलने के आधार पर विवृत, अर्ध विवृत और समविवृत, ये तीनों आप समझ गए होंगे, ठीक है साथियों। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं,
हिंदी को आप लोग पढ़ा करिए साथ में, हिंदी में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं इसीलिए नंबर नहीं मिल पाता है। छोटी छोटी गलतियां भी अगर हो जाएंगी तो नंबर नहीं मिल पाएगा। अब अगला विभाजन है, ठीक है, अगला विभाजन है उच्चारण स्थान के आधार पर। क्या? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर, के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अब इसको आप समझिए, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसमें आप देखिए अभी तुरंत समझ जाएंगे आप। उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए, पहला इसमें है कंठ। पहला क्या है? कंठ। पहला क्या है? कंठ। देखिए कंठ पूरा हम लिख दें फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाएं। पहला है कंठ, दूसरा है तालू। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, आप लोग अन्यथा ना समझिएगा, बिल्कुल बहुत ही शिद्दत से इसको नोट्स बनाइए और पढ़िए, क्लास हमारी पढ़ा करिए, मैं बहुत जो है मेहनत से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। तो पहला है कंठ, दूसरा है तालू दादा। तीसरा देखिए मूर्धन्य, मूर्धन्य इन सब को भी हम समझाएंगे आपको बारी बारी से, मूर्धन्य। फिर उसके बाद ओष्ट मतलब ओठ, ओष्ट 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 हो गया। उसके बाद में कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य के बाद एक और है इसमें, कंठ तालव्य हो गया, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, ठीक है। अब इसको अभी आप समझ जाएंगे जब, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए साथियों, हमने कहा कंठ, फिर तालू, फिर मूर्धन्य, फिर ओष्ठ, फिर कंठ तालव्य, फिर कंठ ओष्ठ। अब इसमें पहले आप कंठ से शुरुआत कीजिए, कंठ से आप शुरुआत कीजिए। इन सब को अभी समझ लीजिए कि नहीं है, इन सब को आप समझ लीजिए कि अभी नहीं है। वो तो हमने आपको बताया कि टाइप कितने प्रकार में बांटा गया है उच्चारण स्थान के आधार पर, तो पहले आप कंठ समझिए। कंठ, कंठ देखिए साथियों, कंठ, कंठ मतलब यहां से जो बोला जाए, यहां से देख रहे हैं, यहां से जो बोला जाए, जैसे कंठ का मतलब हम बता रहे हैं, समझते रहिएगा, एक एक चीज आप ध्यान से समझिए। जैसे आ आ आ, आप यहां से बोल रहे हैं, बड़ा आ अगर आप बोलेंगे, बड़ा आ तो भी यहीं से बोलेंगे, मतलब कंठ से। तो छोटा आ और बड़ा आ इसमें आते हैं, छोटा आ और बड़ा आ, बोल के आप देख लीजिए, छोटा आ और बड़ा आ यही से आप बोलते हैं कंठ से, इसीलिए ये कंठ में आते हैं दो शब्द, दो वर्ड, दो स्वर जो है, ये दो स्वर इसी में आते हैं कंठ में। इसके बाद हमने क्या बताया था? तालू, तालू, तालू में जब ये जीभ आपका ऊपर जाके लगे, जैसे छोटी ई बड़ी ई, आपका जीभ ऊपर जा रहा है तभी आप निकाल पा रहे हैं स्वर, अच्छे से उच्चारण कर पा रहे हैं। छोटी ई बड़ी ई मतलब जीभ आपका अग्रभाग ऊपर जा रहा है, तो वो हो गया तालू, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई, समझते रहिए। तालू में इन दो स्वर को रखा गया है, छोटी ई और बड़ी ई।
कंठ में इन दो को, छोटा आ और बड़ा आ। अब तीसरा हमने क्या बताया था, मूर्धन्य। मूर्धन्य इसको समझिए आप, पूछ लिया जाता है कई बार पेपरों में पूछा गया कि मूर्धन्य स्वर कौन सा है इसमें से, तो आप देखिए मूर्धन्य में दीर्घ को रखा गया है और किसी को नहीं, दीर्घ को मूर्धन्य में याद रखिएगा हमेशा दीर्घ को ही रखा जाता है। ठीक, तो कंठ में छोटा आ और बड़ा आ, तालु में छोटी ई और बड़ी ई, और मूर्धन्य में रीढ़, मूर्धन्य में हमेशा रीढ़ ही होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने क्या बताया था, ओष्ठ। ओष्ठ मतलब बिना होठ लगाए उसका उच्चारण ना हो, ऐसे स्वर को क्या कहते हैं, ओष्ठ वाले स्वर। देखिए कौन से हैं इसमें, जैसे आपने कहा छोटा ऊ, अब जब आपने ऊ कहा तो दोनों होठ सिकुड़े आगे की तरफ ऊ, इसीलिए ये ओष्ठ हो गया। बड़ा ऊ जब आप कहेंगे तब भी आगे की तरफ सिकुड़ेंगे, बड़ा ऊ, ठीक है, तो इसीलिए ओष्ठ में छोटा ऊ को और बड़ा ऊ को रखा गया है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धन्य हो गया, ओष्ठ हो गया। अब अगला कौन सा बताया था हमने, दिख रहा है साथियों, हाँ अगला कौन सा बताया था हमने, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य मतलब जिस स्वर का उच्चारण करने में आपको, जिस वर्ण का उच्चारण करने में आपको कंठ और तालव्य दोनों की सहायता लेनी पड़ती हो, तो ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं, कंठ या कंठ तालव्य स्वर। ठीक है, जैसे आपने कहा ए, ए आप कहेंगे जब तो यहां से भी निकलेगा और ए ए ए, तो ये आगे वाला भी ऊपर की तरफ मुड़ता है जीव जीवा, और यहां से आवाज निकलती है कंठ से ए, मतलब यहां की भी सहायता लेनी पड़ती है उच्चारण निकालने के लिए, और तालु की तरफ वो आपका जीवो जीवा जाता है, तालु की तरफ, तालु की तरफ आपका जीवा जाता है ए ए, देखिए बोल के देखिए ए निकलता यहीं से है लेकिन सहायता तालु की भी लगती है ए ए, इसलिए इसमें ए आया। इसमें और कौन सा आएगा, अगर ए के बाद आप वहीं कहें ए ए ए ए, तो ए भी, ए में भी आपको कंठ की और तालव की जरूरत पड़ती है, दोनों की सहायता लेनी पड़ती है तभी निकलता है सही से उच्चारण, तो ए हो गया और ए हो गया। ठीक, तो कंठ तालव में इन दो वर्णों को रखा गया है ए और ए। ठीक, उसके बाद अगला हमने बताया था कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, इसमें कंठ की भी जरूरत पड़े और ओठ की भी जरूरत पड़े, दोनों की सहायता लेनी पड़े। देखिए जैसे आपने कहा ओ, तो ओ तो निकलता यहीं से है ना, लेकिन ये दोनों आपका होठ मुड़ता है गोलाई के रूप में ओ, देखिए आप बोल के देखिए ओ, तो यहां से भी निकला और ओठ की भी आवश्यकता पड़ी, तो कंठ ओष्ठ हो गया ही। ओ और आओ, ठीक, तो ये जो हमने आपको बताया ये उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, स्थान के आधार पर यानी किसके स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर जो है स्वर का वर्गीकरण। तो इसमें क्या आया, कंठ आया, तालु आया, मूर्धन्य आया, ओष्ठ आया, कंठ तालव्य आया और कंठ ओष्ठ आया। एक बार फिर से देख लीजिए, कंठ में छोटा और बड़ा आप बोल के देखिएगा, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बिल्कुल बनाते रहिए। तो कंठ आया, तालु आया, मूर्धन्य ओष्ठ, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ। आगे चलते हैं, अगला प्रकार है, इसी में अगला प्रकार है अमात्रिक स्वर या मात्रिक स्वर। अमात्रिक स्वर या मात्रिक स्वर,
अमात्रिक और मात्रिक, इसको कैसे वर्गीकृत करेंगे आप? अब आप सोचेंगे कि अमात्रिक और मात्रिक क्या है, सोचेंगे ना कि अमात्रिक और मात्रिक क्या है, तो इसको हम समझाते हैं। आप बड़े ध्यान से सोच देखिएगा साथियों और नोट्स बनाते चलिए। देखिए साथियों, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल में बड़ा आ, ठीक, बड़ा आ हमने लिख दिया, बड़ी ई, समझते रहिएगा, समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे, याद तो इकट्ठे कर नहीं पाएंगे, समझना पड़ेगा आपको। बड़ा आ बड़ी ई, छोटी ई हमने लिख दिया, ठीक है, बड़ा आ बड़ी ई छोटी ई और ए और आए। तो आप जरा ये सोचिए, थोड़ा सा समझ में ले जाइए अपने आप को समझ में, कि जैसे बड़ा आ लिखा है तो इसमें बड़ा आ का मात्रण लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे हमने लिख दिया ता, तो ये ता है, लेकिन जब इसको बड़ा आ का मात्रा लगा देंगे इसमें तो हो जाएगा ता, ठीक है। अब अगर बड़ा का मात्रा नहीं लगाएंगे तो ता, ता जब बड़ा का मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ता। तो जब बड़ा आ मतलब बड़ा आ का मात्रा लगेगा, ठीक है, बड़ा आ का मात्रा लगेगा। जैसे बड़ी लिखा है तो बड़ी, बड़ी का मतलब बड़ी ही का मात्रा ऐसे लगता है, ठीक है। अब किसी भी, जैसे मान लीजिए का लिखा है, अब इसको जब तक बड़ी का मात्रा इसमें नहीं लगाएंगे तब तक की होगा कि नहीं होगा, जब बड़ी का मात्रा लगाएंगे तभी की होगा, और जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये क्या लिखा है, एक का लिखा है, जब बड़ी का मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा की। तो हमने क्या कहा, मात्रिक और अमात्रिक स्वर। देखिए इसमें बड़ा आ में बड़ा का मात्रा लगेगा, बड़ी ई में बड़ी की मात्रा लगेगी, छोटी ई लिखा है तो इसमें छोटी का मात्रा लगेगा। जैसे हमने का लिखा हुआ है यहाँ पे, और जब तक इस पे छोटी का मात्रा नहीं लगाएंगे तब तक की नहीं होगा, सिर्फ का लिखा होगा, लेकिन छोटी की मात्रा लगा देंगे तो की हो जाएगा, और नहीं लगाएंगे तो का। तो इसका मतलब छोटी ई तो छोटी का मात्रा भी होता है, ए है, जैसे ए लिखा हुआ हमने तो ए में ए का मात्रा होता है, ठीक है, ए का मात्रा होता है। ए लिखा है तो ए का मात्रा होता है। जैसे हमने लिखा सैफ, हमने लिखा सैफ, तो अब जब तक ए का मात्रा नहीं लगाएंगे ये क्या लिखा है, सफ लिखा है, तो अब जब ए का मात्रा लगा दिए हम तब तो सैफ हुआ, तो इसीलिए ए में ए का मात्रा लगाना पड़ेगा, और अगर हम ए का मात्रा लगाए तो सेफ हो गया। अब यही मात्रा नहीं लगाएंगे तो सफ हो जाएगा, और ए का मात्रा लगा देंगे तो सेफ, तो इसीलिए ए के साथ ए का मात्रा लगेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका मात्रिक स्वर, क्या हो गया, मात्रिक स्वर, क्योंकि इसमें मात्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि अमात्रिक स्वर, अमात्रिक स्वर हमने आपको दोनों बताया, अमात्रिक स्वर या मात्रिक स्वर ऑब्लिक करके, तो ये आप देख रहे हैं इसमें मात्रा लग रहा है, और यहीं पर अगर हम छोटा ऊ कहें तो छोटा ऊ भी अगर आप कहें, मान लीजिए ये का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो जब तक आप छोटा ऊ का मात्रा नहीं लगाएंगे तो ये कुमार नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कमार, लेकिन जब छोटा ऊ मात्रा लगा देंगे तो कुमार। तो छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मात्रा है, ठीक है, ये अभी आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, छोटा ऊ का मात्रा। यहीं पर अगर बड़ा ऊ हम कर दें तो जैसे हमने लिखा खन, खन, अब जब इसमें बड़ा ऊ का मात्रा लगाएंगे तभी तो खून होगा, नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये खन। तो बड़ा ऊ अगर हम लिख रहे हैं तो बड़ा ऊ का मात्रा ये देखिए ये हुआ, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो गया, ऐसे ऋण है, देखिए ऋण, इसको कहते हैं ऋण। अब जब तक हम ये तड़ लिखा है, क्या लिखा है, तड़, अब हम इसको तृण कैसे करेंगे, तृण कैसे कर सकते हैं, अभी तो तृण हुआ, गह लिखा हुआ है, अब हम इसको ग्रह कैसे कर सकते हैं, री का मात्रा लगाना पड़ा, तो ऋण के साथ भी री का मात्रा जुड़ा हुआ है, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋण
को और रह गया है ओ। ओ देखिए ओ के साथ में ओ का मात्रा होना आवश्यक है, और यही अगर अ हमने कर दिया औ, तो इसके साथ भी औ का मात्रा है कि नहीं। तो इस चीज को आप समझ गए, इसी को कहते हैं मात्रिक या अमात्रिक स्वर, ठीक है, मात्रिक या अमात्रिक स्वर। अब आप समझ गए मात्रिक या अमात्रिक स्वर। विकल्प में अगर आ जाए का ख कु मा, इसमें से पूछ लिया जाए मात्रिक या अमात्रिक स्वर बताइए, तो आप क्या विकल्प सही करेंगे, का पर छोटा उपमात्रा वाला, ठीक है। तो क्योंकि आप समझ गए हैं अब ना कि जिनके साथ अब जैसे मां लिखा हुआ सिर्फ मां, तो इसमें ना बड़ा का मात्रा लगा है, ना बड़ी का, ना छोटी का, ना छोटा उ का, ना बड़ा उ का, इसलिए ये नहीं होगा छोटा उ। जिसमें मात्रा लगा हुआ है वही होगा मात्रिक या अमात्रिक स्वर, ठीक है। तो आप समझने का प्रयास करें, तो आप मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, सातवां टाइप है इसका कि स्वर के उच्चारण के समय, स्वर के उच्चारण के समय होठों की स्थिति गोलीयकार हो जाती है। जैसे हमने कहा ओ, अब गोलाकार हो गया ना, ओ गोलाकार हो गया ना, तो देखो उच्चारण के समय होठों की स्थिति। अब उच्चारण के समय होठों की स्थिति कैसी कैसी हो सकती है। एक तो पूरा होठ गोलाकार बन सकता है ओ, या तो आधा गोलाकार बन सकता है, यही दो हो सकती है। तो जब पूरा गोलाकार हो जाता है तो उसको कहते हैं, या तो पूरा गोलाकार हो जाएगा या तो आधा गोलाकार हो जाएगा। तो जब पूरा गोलाकार हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वृत्तमुखी। आप लोग कहते हैं ना कि वृत्त, मैथ में आप जानते हैं वृत्त मतलब गोला भाई, तो वृत्तमुखी मतलब पूर्ण गोलाकार, ठीक है। और दूसरा क्या है, अर्धवृत्तमुखी, ठीक है, अर्धवृत्तमुखी या आवृतमुखी, अर्धवृत्तमुखी या आवृतमुखी कह दीजिए, आवृतमुखी। इसमें गोलाकार नहीं होता है, गोलाकार नहीं होता। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि उच्चारण के समय होठों की स्थिति कितने टाइप की हो सकती है, दो टाइप की, या तो पूर्ण गोलाकार हो जाएगा या तो गोलाकार नहीं होगा, यही दोनों होगा। तो पूर्ण गोलाकार वृत्तमुखी में कौन से जो है अक्षर आ सकते हैं, सोचिए। जब आप छोटा उ कहेंगे छोटा उ, गोलाकार हुआ, बड़ा उ कहेंगे बड़ा उ, गोलाकार हुआ ओ, गोलाकार हुआ औ, गोलाकार हुआ, तो छोटा उ बड़ा उ ओ और औ, इनका जब आप उच्चारण करेंगे तो शर्त यह है कि आपका होठ गोलाकार होगा। कहिए आप छोटा उ गोलाकार हुआ, बड़ा उ गोलाकार हुआ, ओ गोलाकार हुआ, औ गोलाकार हुआ, तो वृत्तमुखी में उच्चारण के समय होठों की स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो वृत्तमुखी में ये चार आ गए, ठीक है, छोटा उ बड़ा उ ओ और औ। अब आवृतमुखी में हम लोग देख लेते हैं, किसमें, आवृतमुखी में अगर आपने कहा आ बड़ा आ, आवृतमुखी में तो आप छोटा आ भी कह सकते हैं, बड़ा आ भी कह सकते हैं। आवृतमुखी मतलब हुआ कि गोलाकार नहीं होता है, तो उसमें आप छोटा आ भी कह सकते हैं,
बड़ा आ के भी उच्चारण आ गया उसी में, बड़ा आ, ठीक है। छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ए हो गया, आय हो गया, रेड हो गया, ठीक है। ये सब हो गए, ये सब किसमें चले गए, इन चारों को छोड़ करके बाकी जो हैं वो किसमें चले गए, आवृतमुखी में। तो अगर पूछ लिया जाए कि आवृतमुखी स्वर कौन से हैं इसमें से, और चार विकल्प दे दिया जाए, जैसे हमने कहा कि आवृतमुखी मुखी स्वर बताइए, ठीक, हमने कहा आवृतमुखी स्वर बताइए, हमने विकल्प दे दिया ए बी सी और डी, हमने यहां ओ लिख दिया, ठीक, यहां औ लिख दिया, यहां छोटा ओ लिख दिया, यहां छोटा आ लिख दिया। अब बताइए आवृतमुखी स्वर, आवृतमुखी स्वर मतलब होठ गोलाकार नहीं होता है, तो इसमें तो गोलाकार होगा, आप कहकर देख लो, ओ इसमें भी गोलाकार होगा, छोटा ऊ में भी गोलाकार होगा, छोटा आ में गोलाकार नहीं होगा, तो इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप जो है सात टाइप्स आप जान गए, स्वरों को सात टाइप्स में विभाजित किया गया है, जो सातों टाइप हमने आपको बता दिया। अब ये हो गया, अब स्वरों का विभाजन जो है, स्वरों का जो विभाजन है वो आप समझ गए, लेकिन स्वरों का विभाजन और भी होता है वो हम आपको बताएंगे। स्वरों का विभाजन जो दूसरे प्रकार से होता है वो हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि स्वरों का जो विभाजन होता था बेसिकली वो आप जान गए। अब थोड़ा सा जो है टफ की तरफ चलें, अभी बेसिक चल रहा था, थोड़ा सा टफ की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा टफ की तरफ चलेंगे तो वो अगली क्लास हमारी कल होगी। स्वरों का वर्गीकरण या विभाजन फिर से किया गया है वो आप अब की बार अगले क्लास में देखेंगे। तो आपसे निवेदन है कि क्लास हमारा पूरा देखा करें और नोट्स बनाते रहें, ठीक है, और साथ ही साथ मेहनत करें, पढ़ें। जब तक मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आप मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेरे साथ बिल्कुल बराबर बने रहिए। मैं रोज डेली तीन तीन चार चार क्लासें पढ़ाता हूँ, कभी कभी पांच क्लास पढ़ाता हूँ, तो आप मेहनत करें, बिल्कुल हमारे साथ बराबर बने रहें और मेहनत करें, और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सफल होंगे। सारी चीज़ों का नोट्स आप बनाएं और जरूर सफल होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली क्लास मेरी कल होगी, ये मेरा तीसरा क्लास था हिंदी का, चौथा क्लास कल होगा, ठीक है साथियों। चौथे क्लास में आपको जो स्वरों का और विभाजन बताया गया है, इसके बाद भी स्वरों का विभाजन है, वो हम आपको कल से बताएंगे। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, हिंदी पूरा हम करवाएंगे, जनरल हिंदी जो भी है, जितने टॉपिक हमने उस दिन बताए थे पूरा हम करवाएंगे। निश्चिंत रहें, नोट्स बनाते रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, खाते पीते रहें, अपना ख्याल रखें। और हमारा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए लोग हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट, शेयर और लाइक वगैरह किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।